वॉचिंग खबर फेस टू फेस। दर्शकों स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल और मैं हूं जिशान आजमी। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। देखो मुबारकबाद के साथ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आज़ादी बहुत मुश्किलों से मिली हुई है हमारे। अगर आप लोग रहे होंगे तो सुना होगा रफीक सर ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है कि आज़ादी कैसे मिली है। जो बच्चे उस ज़माने में नहीं थे, हम लोग भी उस ज़माने में नहीं थे, बहरहाल हमें सब मालूम इन्हीं जैसे लोगों से मालूम हुआ है। मैं सिर्फ मुबारकबाद देना चाहूँगा और आज़ादी की मीनिंग लोग को समझ के दिल से हिंदुस्तान के लिए काम करना चाहिए। आपको रियल चेंज अवार्ड यहाँ से आज सम्मानित किया गया, रियल चेंज मेकर रफीक सर के लिए क्या कहना चाहिए? रफीक सर को मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि रफीक सर समोलो दूसरे रिजवी हैं और रिजवी दूसरे रफीक सर हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वतंत्र दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है, इसी तरह मालवनी गेट नंबर 6 होली मदर इंग्लिश हाई स्कूल में भी मनाया जा रहा है, कुछ अनोखे तरीके से मनाया है, जहाँ पर यहाँ पर रियल चेंज मेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया 6 लोगों को, जिसमें से एक समय फाउंडेशन के अमजद शेख जी है। आइए हम उनसे बात करते हैं। अमजद जी, आपको आज जो अवार्ड दिया गया रियल चेंज मेकर अवार्ड इज 2023, तो इसका क्या कारण है जो आपको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखिए कारण तो मुझे नहीं पता, लेकिन रफीक सर का अचानक मुझे ये फ़ोन आया कि भाई जैसा हर साल वो सेलेक्टेड उनकी कमेटी जो सेलेक्ट करती है अवार्ड को, जो समाज में कुछ अच्छा काम करते हैं एजुकेशन पे, हेल्थ पे, सोशल कॉज पे, तो ये उनका क्राइटेरिया होता है, उस हिसाब से उन्होंने सेलेक्ट किया। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका रफीक सर का और उनकी कमेटी का कि मुझे इस लायक समझा। यानी कभी मैंने अवार्ड की ऐसी उम्मीद नहीं की थी। हम कई सालों से काम कर रहे हैं समाज के अंदर, लेकिन कोई ना कोई रिकॉग्नाइज़ करके इससे पहले भी बहुत सारे अवार्ड्स हमको मिल चुके हैं और ये अवार्ड मेरे लिए बहुत मायने रखता होली मदर स्कूल की इंग्लिश स्कूल की तरफ से जो मिला है, तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मोहसिन भाई, आज आपको रियल चेंज मेकर अवार्ड इस 2023 से सम्मानित किया गया है, रफीक सर ने सम्मानित किया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं रफीक सर का और स्कूल का मैं बहुत 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 आभारी हूँ। मतलब स्कूल की कमेटी ने हमारा नाम को डिसाइड किया और आगे भी इंशाल्लाह हम लोगों ने अब तो जो भी काम किया आगे भी हम लोग इसी तरह काम करते रहेंगे। अब तक हमारे 651 के मेडिकल कैंप हो चुके हैं, 651, और इंशाल्लाह और भी कैंप आगे होते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। होली मदर स्कूल के प्रिंसिपल रफीक सिद्दीकी सर है, आइए हम उनसे बात करते हैं। रफीक सर, आपको सबसे पहले तो इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो, 77th। आज जो आपने जो फंक्शन रखा है, 6 लोगों को आपने चुना है 6 रियल चेंज मेकर अवार्ड इज 2023, क्या वजह है, किस कारण से चुना हमारे दर्शकों को? ये अवार्ड 2010 से हम लोग ने स्टार्ट किया, ये 13वां साल है और लगभग 63 अवार्डीज अब तक हो चुके हैं, मतलब इसके अंदर आज के अगर मिला लेंगे तो 69 हो जाएंगे। और हम ये सोचते हैं कि समाज के अंदर बुराई करने वाले या बुरा बोलने वाले आपको कई लोग मिल जाएंगे। तालाब गंदा है, सड़क गंदी है बोलने वाले आपको हज़ारों मिल जाएंगे, लेकिन खाली बोलते रहने से ना तो तालाब साफ़ होगा ना सड़क सही होगी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी फ़िक्र को फ़िक्र मानते हुए साथ में कौम, मिल्लत और कम्युनिटी के बारे में भी सोचते हैं। और एक स्कूल से जब ये मैसेज आता है कि इस तरह के कामों की भी लोग इज्जत करते हैं, ऐसा ही नहीं, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ बर्थडे मनाते हैं, मैंने वो भी देखा है, मतलब या सिर्फ बैनरबाजी में मुबतला रहती है मतलब। तो मैंने इन दोनों लोगों को बहुत कम से कम सोशल मीडिया पर रहना ज़रूरी है आपको, उसके बगैर तो पता ही नहीं चलेगा लोगों को, लेकिन ये जो एक्चुअल में जो काम लोगों के फ़ायदे वाला काम है उसके बारे में तो सोचना, सबसे पहले तो सोचते हैं, उसके बाद में फिर क्या करना है वो नेक्स्ट स्टेप भी लेते हैं और सोसाइटी में जाते हैं। और हमारे जो बच्चे हैं 1200 बच्चे, हम चाहते हैं कि ये बच्चों को भी एक अल्टरनेटिव करियर के बारे में मालूम पड़े कि आप लोग सोशल इंजीनियर्स हो, जैसा हमारे अमजद भाई हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, वो उनका प्रोफेशन है, लेकिन साथ में वो सोशल इंजीनियरिंग का काम भी कर रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग आप क्या करते हैं कि आप अपने आप को एक मिसाल बनाते हैं, मतलब ताकि आपकी ज़िंदगी एक रोल मॉडल के तौर पर बन जाए। तो मुझे अमजद भाई का काम, मोहसिन भाई का काम या हमारे फखरुल हसन रिजवी सर का जो काम है, मतलब वो बहुत
वो देता है, मतलब इंस्पिरेशन देता है मुझे। और लोग जैसा हमारे इस्लाम में तो ये माना नहीं जाता कि बाप दूसरा जन्म होगा तीसरा जन्म होगा, लेकिन अगर कभी ऐसा मौका रहे कोई ऑप्शन रहे अगर मुझे, तो मैं दोबारा वापस से मालवनी में पैदा होना चाहूँगा, दोबारा वापस से रफीक सिद्दीकी बनकर ही पैदा होना चाहूँगा, दोबारा वापस से होली मदर का ही प्रिंसिपल बनना चाहूँगा। और जो मुझे माजूरियत है उससे भी कभी भी अल्लाह का शुक्र है कोई शिकायत नहीं है, माजूरियत भले होगी लेकिन मोहताजी नहीं है। मेरे अंडर में 30 टीचर लोग काम करती हैं, 17 ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, और मेरे से मिलने के लिए एक बंदा हर साल इंग्लैंड से आता है, मतलब सिर्फ मेरे से मिलने के लिए। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, मेरी कोई काबिलियत नहीं है, मेरे अंदर कोई भी खास बात नहीं है, अल्लाह ने नवाजा है। और हम चाहते हैं कि मालवनी जो है ना उसको 4M में हमको बनाना चाहिए, बाद में आगे जाके माय मालवनी मस्त मालवनी 4M का प्रोग्राम बनाना चाहिए इसका। और मैं कई बार बात भी करता हूँ, आज ये मन से बोलना चाह रहा हूँ कि पॉलिटिकल डिफरेंस को बाजू में रख देते हैं हम, एटलीस्ट जो हमारे NGOs हैं इनका मिला के अगर हम एक थिंक टैंक बनाते हैं, मान कि एक स्कूल का प्रिंसिपल ले लिया, HM को ले लिया, डॉक्टर को ले लिया, वकील को ले लिया अगर हमने, और उनको लेकर अगर हमने एक थिंक टैंक बनाया जो मालवनी का ब्लूप्रिंट बनाते हैं आने वाले 25 साल का क्या होना चाहिए। यहाँ एक सोशल कम्युनिटी सेंटर नहीं है, एक मैरिज हॉल नहीं है डिसेंट, यहाँ पे एक कितनी बड़ी लाइब्रेरी आप यहाँ पे खोल सकते हैं। मैंने सोशल मीडिया पे डाला था पिछले बार कि यहाँ पे 47 स्कूल है मालवनी के अंदर और 75,000 बच्चे मतलब इसके अंदर पढ़ रहे हैं, मतलब 75,000 प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं बच्चे। हर स्कूल के बच्चे क्या करते हैं, अपनी बुक को रद्दी वालों को दे देते हैं। अगर हम एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी यहाँ पे बच्चों को ये बोले कि आप डोनेट कर दें अपनी बुक्स को और उसके बदले में आपको अगले साल की बुक्स मिल जाएगी, तो कितना जो वेस्टेज हम लोग कर रहे हैं वो बच जाएगा और बच्चों को मतलब बुक खरीदना नहीं पड़ेगा दूसरे बच्चों को। 70,000 बच्चों की बुक्स को रखने को जगह नहीं मिलेगी आपको, कितनी दुकानें बंद हो जाएगी जो खामाखां चल रही है मतलब, लेकिन उस पर काम करना पड़ेगा। और उसके अंदर जो भी छोटा मोटा योगदान मेरे से होगा मतलब मैं हमेशा, क्योंकि मालवनी ने सब कुछ दिया है, मेरी जेब में मिट्टी थी और दिल में जज्बा था और इतना बड़ा स्कूल खड़ा है सामने, और ये सब ये जो दो बिल्डिंग खड़ी है यहाँ पे सब बच्चों की फीस है, मेरे पास कोई पैसा नहीं था। तो बहुत अच्छा मैसेज दिया, आज इस वक्त आप सभी के लिए एक रोल मॉडल है, बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, ऐसे प्रिंसिपल आप लास्ट में सभी लोगों को देशवासियों का मैसेज देना चाहते हैं। मैं सोचता हूँ कि इस मुल्क के अंदर मोहब्बत के लिए बहुत गुंजाइश है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत है, और मोहब्बत उनसे जो आपसे नफरत करते हैं। मेरा मानना है कि कीचड़ से कीचड़ कभी भी साफ़ नहीं हो सकता है, खून से खून कभी साफ़ नहीं हो सकता है, नफरत से नफरत कभी दूर नहीं जाएगी। ये मुल्क तो मोहब्बत के लिए, रहनुमाई के लिए जाना जाता है। हम अपने बच्चों को, जब दो बच्चे मेरे पास लड़कर आते हैं उनको ये उम्मीद से आते हैं कि भाई सर मारेंगे हमको, मैं दोनों बच्चों को मिलाता हूँ, समझाता हूँ, दोनों को चॉकलेट देता हूँ, गले मिलाता हूँ और बोलता हूँ आज से तुम पक्के दोस्त हो मतलब। तो हमें अपने पड़ोस को, अपने मुल्क वालों को, सबको अपना मानना है, मतलब कोई पराया नहीं है, कोई गैर नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सब शानदार लोग हैं इस मुल्क के, और उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और अपनापन और भाईचारा फैलाना चाहिए मेरे ख्याल से। बहुत बहुत शुक्रिया रफी।